इससे पहले कि मेहमानों का तारुफ कर रहा हूँ, क्विकली अजहर भाई, आज की परफॉर्मेंस, न्यूजीलैंड एक खतरनाक टीम बन के सामने आ रही है इस टूर्नामेंट में। जी बिल्कुल, न्यूजीलैंड का तो पता था, लेकिन आज इतना बुरा अफगानिस्तान ने खेली है उसकी तो नहीं थी, खास तौर पे फील्डिंग। बिल्कुल, और आज उन्होंने साबित किया कि आज बिल्कुल चेज करने में वो बिल्कुल ही हल्के हैं। हाँ। और पहले टाइम अगर उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग की थी तो फील्डिंग जिस किस्म की उन्होंने की। हाँ। जब न्यूजीलैंड को आप 110 पे 4 आउट कर लेते हैं तो आपके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। यस, वहाँ पे आप मिसफील्ड भी कर रहे हैं, प्रेशर नहीं डेवलप कर रहे, तो आई थिंक वो अपॉर्चुनिटी उनके पास एक आई थी। अगर ये 220-25 में उनको आउट कर लेते तो फिर जो है अफगानिस्तान डेंजरस साबित होती है। अदरवाइज आई थिंक 250+ जो है वाज ऑलवेज गोना बी टिप टॉप ऑन दिस पिच। एंड कामरान भाई, यू एग्री कि अब यहाँ से मैंने अगेन हम कुछ कंक्लूड तो नहीं कर रहे, लेकिन बज़ाहिर लग रहा है कि सेमीफाइनलिस्ट जो इनमें से एक न्यूजीलैंड तो है ही है, यहाँ से बहुत ही मेहनत करके बुरा खेले तो ही आउट होगी यहाँ से वर्ल्ड कप से। न्यूजीलैंड से हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते वो बुरा खेलेंगे। सही बात है। उन्होंने हाँ। स्टार्ट किया, पहला मैच इंग्लैंड से जीते, वहीं हाँ। पे उन्होंने दिखा दिया कि न्यूजीलैंड टीम सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने वाली हाँ, टीम है। सही, कम ही प्लेयरों ने टॉप 4 में रखा हुआ था, लेकिन हाँ। उन्होंने अपनी क्रिकेट से और अब मैच जैसे जीते हैं, जैसे डोमिनेट किया, हाँ। उसकी वजह से मेरे ख्याल से इनको कोई अब रोक नहीं सकता, क्योंकि 6 मैच अभी उनके रहते हैं, 5 मैच। सही है, 1-2 जीतने हैं तो क्वालिफाई कर जाना। लेकिन आज अफगानिस्तान ने जो डिसीजन लिया ना, मैं समझ रहा हूँ वो उनके हक में नहीं गया। जैसे उन्होंने पहले बॉलिंग की है, सही है, वो हमेशा पहले जो भी उनकी कामयाबी है पहले बैटिंग करते हुए ही है, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ हो। अभी 2 दिन पहले मैच वो इंग्लैंड से जीते हैं, पहले बैटिंग हाँ, करते हाँ, हैं हाँ। तो मेरे ख्याल से वहाँ पे उन्होंने गलती की है। ड्यू का वो सोच रहे थे, वो इतनी पड़ी नहीं, स्वाय पहले मैच के अलावा किसी और वेन्यू पे इतनी ज़्यादा स्नो पड़ी नहीं है, जिसकी स्नो कह रहा हूँ, ड्यू नहीं पड़ी तो इसलिए मेरे ख्याल से धर्मशाला की धर्मशाला। तो ये बासित भाई, क्या आज की पिच के बारे में कोई खास कमेंट क्या लगी आपको? यानी पिछले मैच में जब अफगानिस्तान ने इंग्लैंड जैसी वर्ल्ड चैंपियन को आउट कर दिया, तो आज आपको क्या लगा कि वो उस दिन पिच का ज्यादा कमाल था, इसलिए स्पिनर्स चल गए, स्पिनर्स ने 8 विकेटें निकाल ली, आज पिच वैसी नहीं थी या क्या था? बैट्समैनों पे प्रेशर नहीं था ना पहले बारी में, ठीक है, आज टारगेट था 289 का, सही है, तो वो प्रेशर ले लिया। प्लस जो उनकी क्लास है, फेयरलेस क्रिकेट खेलना, वो पहली बारी में ज़्यादा सूट करती है बनिस्बत दूसरी बारी के। ओके, उनके सामने एक स्कोर आ जाता है कि इतना रन बनाना है, सही है, उसी में उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। और अभी आप न्यूजीलैंड का बता रहे थे, जी जी, देखा ले इंडिया और न्यूजीलैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुका, ये 2 हाँ ओके, यानी अब पहुंच चुका है। ओके, अब बाकी 2 टीमों में हम अपनी जगह बनाने की कोशिश करें, अगर मगर इफ साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, या अगर श्रीलंका भी डालना हो तो अब इन 5 में से कोई 2 टीम, श्रीलंका ना डाला, ये 4 ही है, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। श्रीलंका ने कोई मैच नहीं जीता अभी, तो नहीं जीता, अल्लाह करे आगे। अभी भी पाकिस्तान टॉप 4 में है, अभी शेफ जट साहब पाकिस्तान अभी भी टॉप 4 में है। ये अजहर ने किसी और के लिए बोला है, अच्छा मैंने इनके लिए बोला भाई।